आप इसको कल खोल लो। किसको? ये पर्दा क्यों? आदमी सब परेशान कर दिया, क्या है ये, क्या खोला, क्या लगाया, मतलब लगा मिला। देखो ये गाइस, ये अंकल आया, अंकल बोल रहे कि ये ग्लास लगाया मैंने इधर, एकदम सादा सादा हुई जी। गाड़ी का चलता है? गाड़ी जायल नहीं, एकदम मुरूक धूल, और ये सब सामान में तानी कुल धूल बैठे लोले खराब हो जाएगा। सो यार गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत परेशान हूँ यार, पता है क्यों? उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, एंड आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी कॉस्मेटिक्स में। सो गाइस, परेशान मैं इस वजह से हूँ ना, अभी दिन में जो है कम से कम मुझे 10 से 15 बार यहाँ पे झाड़ू करने की ज़रूरत हो रहा है। धूल यार, मैं धूल से परेशान हो चुका हूँ। ये वाला जो काउंटर है, इसको लगभग दिन में 50 से 100 बार साफ करो, हर 10-15 मिनट में यहाँ पे धूलों का पहाड़ जमा हो जाता है। जस्ट मैंने क्लीन किया गाइस, जस्ट अभी एक दो मिनट ही हुआ होगा। अभी फिर से देखो, ये देखो, फिर से देखो आप लोग, क्या ही बताओ मतलब। और अगर आप मेरे शॉप के फ्रंट साइड देखेंगे ना, ये धूल देखो आप, ये धूल, जितना भी पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, ये देखो धूल। और ख़ास करके ये वाला देखो आप, ये देखो धूलों का पहाड़ है, ठीक है। अंडा फूटा हुआ दिया, अभी जाएंगे कंप्लेन करने, फिर फूट गया वो। फूट गया कि फूटा हुआ दिया? कौन सा फूटा हुआ दिया था? फूटा हुआ दिया तो फिर बताना चाहिए ना। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटो हटो। ये देखो गाइस, तो अभी आप लोगों की बताओ इससे बचने का उपाय क्या है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बताया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि भैया पानी दे दो शॉप के सामने, ठीक है। तो पानी यार, काफ़ी सारे पानी मैं पहले से ही देता था, जब से शॉप ओपन किया ना तब से पानी देता था, ठीक है। पानी से इसका कुछ इलाज नहीं है, पानी लगभग आधा एक घंटा में जब सूख जाता है ना, फिर जैसे का वैसा। यहाँ पर ये वाला सेक्शन पे अगर हम लगाएंगे ग्लास, ठीक है, ग्लास करके लगा दिया, तब जाके धूल से बच सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ग्लास से कवर करने की ज़रूरत है, और अगर ग्लास से कवर करेंगे तो फिर यहाँ पे शटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना शटर का तो ग्लास फिटिंग होगा नहीं। ये जो वुड का यहाँ पे पल्ला देख रहे हो, इससे काम होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, मैंने फ़िलहाल एक तरकीब लगाया, जो कि पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट की थी, जो एक पीवीसी प्लास्टिक का एक कार्टन आता है, यानी कि पर्दा, वो लगाने का। बट वो लगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, ठीक है। उस वो लगाना एक्चुअली क्या होता है, वो लगाने से ना ये शॉप पूरा ब्लॉक हो जाता है, बढ़िया तरीके से शॉप दिखता नहीं है। तो इस वजह से मैं वो प्रेफर ही नहीं कर रहा था इतना दिन, बट अभी इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, ठीक है, हर प्रोडक्ट में धूल भरती, हर प्रोडक्ट में धूल धूल धूल। यार मैं सच में बताऊँ यार, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, इतना महंगा महंगा सामान है, काफ़ी सारे सामान जो है धूल की वजह से ख़राब हो रहा है। तो इसलिए जो है मैंने मंगाया है वो वाला कार्टन। ये एक पीस है, कितना पीस है? अरे लिखा हुआ है क्वांटिटी 3 पीस। निकालो एक पीस। कितना लंबा है? कितना दिया दिखा? ये तो बहुत ही छोटा है यार। वही तो, 7 फीट देख के लिए फिर भी इतना छोटा। इधर इधर लो, सही है, दिख तो रहा है दुकान यार। तो गाइस, तो जैसा सोचा था उससे काफ़ी बेहतर फीडबैक मिल रहा है, मतलब बढ़िया ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है, ठीक है, आर पार दिख रहा है। तो इसको पहले लगा लेते, मतलब इंस्टॉलेशन कर लेते, देन फिर देखते कैसा दिखता है, ठीक है। कौन है उधर, कौन है उधर, हाँ कौन है ये, क्या खबर आपका, हैं क्या कर रहे हो आप इधर, हैं
सो गाइस, एज यू कैन सी, देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, तो अपना जो कवर है दुकान की, सुरक्षा कवच जो कि हमने धूल से बचने के लिए लगाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, अभी आप देखो शॉप के अंदर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो असल में गाइस, ये जो आज है ना, आज एकदम नया है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी शायद मतलब बरोबर सा दिख रहा है, बट जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा आई गेस ये फिर जो है इसमें भी धूल जम जाएगा, उस टाइम पे ये क्लीनिंग करने की ज़रूरत होगा। ठीक है ना, इसका तो मुझे एक्सपीरियंस है ही नहीं। ठीक है, फिलहाल तो ये लगाया, अभी इसका एक्सपीरियंस करेंगे कैसा है। अगर आप लोगों के शॉप पे ये वाला चीज़ कर्टिन जो है लगाया हुआ है, तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे हमको फेस होगा। ठीक है ना, अभी तो सही है क्योंकि धूल बच जाएगा, धूल ये रोक देगा, अंदर नहीं जाएगा, बट इससे कुछ अगर प्रॉब्लम्स वगैरह है वो फेस करना। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो हो, मुझे लग रहा है कि कस्टमर जब भी आते हैं तो इसको हटाओ फिर सामान दो, ये एक दिक्कत, बट कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए तो ये लग गया, और अभी जो है आज है मंडे, तो देखते हैं शाम को कैसा सेलिंग होता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। 3 hours later. सो गाइस, तो मैं तो थोड़ा बाहर घूम के आया, और शॉप में जैसे देख सकते हो तो कांची है। और कांची, क्या हाल, कैसा हुआ बिजनेस? की बात रही हो? आप इसको खोल दो कल। हैं? आप इसको कल खोल लो। किसको, ये पर्दा क्यों? आदमी सब परेशान कर दिया, क्या है ये, क्या खोला, क्या लगाया, बोलते क्या क्या खोला क्या लगाया, पार्लर खोला है क्या बोलता है कोई, कोई क्या बोलता है, पार्लर खोला है। अरे नहीं 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 नहीं, तो अभी क्या तुम बोल रहे हो ये 600 रुपए में लगाया ये फेंक दो? वैसे नहीं, लोगों को एक्चुअली नया लगा है इसलिए ये सारी चीज बोल रहे हैं ना गाइस, 600 रुपए लगा है एक्चुअली, इसका ओवरऑल कॉस्ट वो भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना, अरे ठीक है, यहाँ दुनिया भर का तो लोला है, देख नहीं देख, दुनिया भर का मजा मजा लोला है। नहीं तो वहाँ से ले, वो सब भी अच्छा है। हाँ सब एक ऐसा है, नहीं छोटका वर्का रहे, छोटका भी रहे उसी अलग बड़ो छोड़ो हाय जब तो बड़ो छिड़े की करो तो निकाले, हर कोई बता दे का कोरोना ले लगाए दिले की कोरोना होला कोरोना धूला चलते आज हम देख नहीं हिया उल्टी बेला लगा लो कितना धूल अटका लग देख ले एकदम सादा सादा हुई जी गाड़ी का चलता है गाड़ी जाए नहीं एकदम मुरुक धूल और ये सब सामान में तानी कुल धूल बैठे लोले खराब हो जाएला मतलब लगा नहीं ला देखो ये गाइस ये अंकल आया अंकल बोल रहे कि ये ग्लास लगाया मैंने इधर दूर से वैसा लग रहा है क्या ग्लास जैसे लग रहा है ये लगाया अभी धूल वगैरह ज्यादा हो रहा है ना जिस वजह से दोपहर को लगाने के बाद अंदर अभी तक धूल नहीं गया नहीं तो पहले तो हर 5 मिनट में साफ करो ऐसे सही है आइडिया सही है एकदम परफेक्ट आइडिया है सामान मचाने का तो कैसा लगा आप लोगों को आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताना ठीक है एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं अभी तक मैंने लगभग लगभग तो 4 घंटा के करीब करीब हो ही गया तो देखो धूल नहीं है अभी मतलब बहुत ही बढ़िया कारगर रहा ये लगाने के और कांची वो सारे एक्सपीरियंसेस बताओ तो ये लगाने के बाद फीडबैक क्या रहा हमारे यहाँ पे लोगों का ज्यादातर लोग जैसे कि आपने ये अंकल को देखा अंकल ने तो सही बताया कि कुछ प्लास्टिक या ग्लास टाइप का दिख रहा है एक्चुअली बाहर से वैसे ही लगता है ग्लास जैसा क्योंकि आज नया है ना और कुछ लोग तो बोल रहे थे फिर से कोरोना आ गया कि हमारे इधर ये लगा दिया और ज्यादातर लोग तो ऐसे घूर घूर के देख के जा रहे है ना कितना लोग तो पहचान ही नहीं पाए क्या है देखा नहीं कभी उन लोगों एक्चुअली ये जो प्लास्टिक मैंने लगाया ना गाइस मुझे जितना लग रहा है कि ये हमारे एरिया में नहीं है ये फर्स्ट टाइम हम ही लगाए शॉप पे शायद हमारे यहाँ पे एक्चुअली गांव देहात में ये सारी चीजें होता है किसी ने अगर नहीं देखा है तो उनको समझाना पड़ रहा है धूल है ना धूल की वजह से फिर वो हाँ तो ऐसा वाला सीन है सो गाइस तो अभी तो शॉप का मंगल करने का भी वक्त हो गया ठीक है तो सबसे पहले तो थोड़ा सा चाय पियेंगे और आज का जो सेलिंग हुआ है वो कांची बताएगी क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं थोड़ा बाहर गया था कितना सेलिंग हुआ है कांची 2150 ओनली तो ये है आज का सेलिंग गाइस सिर्फ 2150 रुपीज ठीक है तो डल सीजन है जिसकी वजह से सही है और आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर आप मुझे कमेंट करके बताना तो होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें मिलेंगे आपसे कल नए वाला ब्लॉग में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर